नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। उत्तर प्रदेश की खाली हो रही 11 राज्यसभा सीटों के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी के 8 उम्मीदवारों समाजवादी पार्टी समर्थित कपिल सिब्बल, राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी और सपा के एक और उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से शुक्रवार को यहाँ जारी एक बयान में बताया कि 11 सीटों के सापेक्ष 11 नामांकन पत्र वैध पाए गए। इसकी वजह से 3 जून के नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख समाप्त होने के बाद चुनाव अधिकारी द्वारा 11 प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। निर्वाचन आयोग के मुताबिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की 31 मई को आखिरी तारीख थी। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच हुई और 3 जून को नाम वापस किए जाने की अंतिम तारीख तय थी। अगर शुक्रवार को निर्विरोध निर्वाचन नहीं होता तो मतदान 10 जून को निर्धारित किया जाता। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय लोक दल से जयंत चौधरी, सपा के जावेद अली खान और निर्दलीय कपिल सिब्बल के अलावा भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, दर्शना सिंह, बाबू राम निषाद, मिथिलेश कुमार, डॉक्टर के लक्ष्मण, सुरेंद्र सिंह नागर और संगीता यादव निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। बताते चले कि राज्यसभा के लिए कुल 12 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से बुधवार को यहां जारी एक बयान में बताया गया था कि सभी 12 नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें से 11 नामांकन पत्र सही पाए गए, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार मोनी फलहारी बापू का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। बीजेपी ने अपने 8 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने जावेद अली खान को मैदान में उतारा और निर्दलीय कपिल सिब्बल और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कुल 31 सीटें भी चुनी गई, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी और कपिल सिब्बल सहित यूपी से राज्यसभा के 11 सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं, यानी कि जीत कहीं ना कहीं हासिल ही समझे इस तरीके की बात कही जा रही है। अब आपकी क्या राय है खबर सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।